क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपन। लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। देखो मीनिंग रीड करो पहले सब। इतने लेट से क्यों ज्वाइन कर रहे हो तुम लोग? क्वाजी मीन्स ऑलमोस्ट और अपेरेंटली बट नॉट रियली। देखो क्वाजी का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट या फिर अपेरेंटली बट रियलिटी में नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट तो आपको बताया है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, मतलब एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी जब मिक्स होती है तो वो कहलाती है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या? नॉट रियल। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है यहाँ पर नॉट रियल कॉन्ट्रैक्ट, नॉट रियल बट ऑलमोस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑलमोस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये होता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, बिकॉज जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म होने के वो सब क्या है, एबसेंट है। अब एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है जो इसमें मिस है, मतलब जो इसमें एब्सेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से हैं? देखो जैसे कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वो भी नहीं होता है इसमें। सेकंड, इसमें फ्री कंसेंट नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, तो ऐसी एक्सेट्रा। तो ये तीन जो मेन चीजें हैं वो इसमें क्या होती है, एबसेंट। इट इज एन ऑब्लिगेशन, एक लाइबिलिटी हो गई है। ऑब्लिगेशन का मतलब है यहाँ पे ये एक लाइबिलिटी इम्पोज्ड बाय लॉ। कौन इम्पोज कर रहा है? बाय लॉ, कानून। अपॉन अ पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ एनदर, एक इंसान के प्रॉफिट के लिए दूसरे इंसान के ऊपर थोपा गया काम, है ना, जबरदस्ती, मन नहीं है फिर भी। इवन इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक, ये किस पे बेस्ड है? ऑन द इक्विटी, जस्टिस। नेक्स्ट, इसमें अब एक चीज देखो, जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है वो एक सिंपल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जैसे कि वो प्रिंसिपल है, देखो, नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर्स पर्सन्स कॉस्ट। ये जितना मैंने अभी बोला है उतना समझ में आया है? एक एग्जाम्पल देखो, यहां स्क्रीन पे शो कर रही हूं मैं। सपोज एक्स है, उसने अपना बैग भूल गया, वो है ना, एक्स हैज फॉरगॉटन हिज बैग। उसमें कुछ ट्रेडिंग आर्टिकल्स थे, सपोज किसके यहाँ पे छोड़ दिया उसने, वाई के यहाँ पे। तो अब वाई इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू रिस्टोर द बैग टू टू एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे वाई की लीगल ड्यूटी है कि वो एक्स को वो बैग क्या करे, वापस करे। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट भी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसके पहले हमने जो एग्जाम्पल स्टडी किया उसमें क्या था, प्लम्बर था, उसने गलती से दूसरे के हाउस में स्प्रिंकल सिस्टम लगा दिया, तो जो ओनर था जिसने उसको बोला था, तो नेक्स्ट डे वो खुद आके उसको करेक्ट कर रहा है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो अब देखो, अनजस्ट एनरिचमेंट, फर्स्ट जो दूसरी पार्टी है ना, एक जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए उसको नहीं, सेकेंड पार्टी को बेनिफिट मिल रहा है। अनदर पार्टी हैज बिन एनरिच्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ अ बेनिफिट। ठीक, दूसरा, दैट इज एनरिचमेंट इज एट द एक्सपेंस ऑफ द फर्स्ट पार्टी, ऑब्वियस है उसके खर्चे पे उसको मिल रहा है। थर्डली, दैट द रिटेंशन ऑफ द एनरिचमेंट इज अनजस्ट। तो ऐसे एनरिचमेंट को क्या मानते हैं, अनजस्ट। वो जो मैंने एक प्रिंसिपल लिखवाया था, नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर मैन्स कॉस्ट, तो ये है क्या बोलते हैं, अनजस्ट एनरिचमेंट। नोट करो, ये पूछता है इसमें,
एक्सप्लेन द टर्म एग्जाम में पूछ सकता है अनजस्ट एनरिचमेंट, या फिर तो आप समझ जाना कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहा है। तो ये जो लाइंस तीनों मैंने लिखवाई है ये आप मीनिंग में मेंशन करेंगे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की। क्लियर है यहां तक? रफ करूं मैं इसको? यस मैम। सबने किया, नोट किया सबने? अब नेक्स्ट देखो इसको। यस मैम। यस मैम। अब देखो फीचर्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। देखो अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट। यस रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैंने बताया ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ऑलमोस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इट इज नॉट बेस्ड अपॉन द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस रूल। जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस किया था हमने वो उस पर भी रूल नहीं है। इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी फॉर्मल एग्रीमेंट बट इम्पोज्ड बाई लॉ, मतलब थोपा गया, मैंने बताया था ऑब्लिगेशन है कि भाई वो एक सामान भूल गया हमारे यहाँ, तो हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम जाएं उसको ढूंढें और उसके घर में उसका सामान पहुंचाएं। फोर्थ इट इज अ राइट विच इज अवेलेबल नॉट अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड बट अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन। एक पर्सन के को ध्यान में रखते हुए ही उसके लिए सिर्फ राइट्स हैं इसमें। तो ये हैं इसके फीचर्स। इसमें एक और ऐड कर सकते हो, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। तो ये आप लोग ऐड कर सकते हैं इसमें एक। नेक्स्ट देखो एक और अगर ऐड करना चाहो तो, नहीं काफी आप लोगों के लिए इतने पांच बस इनफ है। नोट किया सबने? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस इक्विटी एंड कॉन्साइंस। अब नेक्स्ट नोट किया? रफ करूं मैं, क्लियर करूं? यस मैम। अब नेक्स्ट देखो डॉक्ट्राइन ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ये देखो ये तो मैंने अभी डिस्कस किया। देखो अनजस्ट एनरिचमेंट डिक्लेयर्स दैट अ पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अननोन पार्टीज। एंड क्वांटम मेरिट, ये कल हमने डिस्कस किया था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, याद आ रहा है? क्वांटम मेरिट क्या था उसमें? जितना भी एज मच एज कल बताया था मैंने, तो जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ सर्विस परफॉर्म, तो एटलीस्ट ये एग्जाम्पल इसमें आएगा किस पे? प्लम्बर वाले का। तो एटलीस्ट उसने जितना काम किया उतना तो उसको मिलना चाहिए। इट डिटरमाइंस द अमाउंट टू बी पेड फॉर सर्विस व्हेन नो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट और व्हेन देयर इज अ डाउट, जब डाउट है कि कितना पैसा दें या कितना नहीं दें। तो ऐसे सिचुएशन पे एटलीस्ट उतना तो देना चाहिए जितना उसने काम किया। तो ये डॉक्ट्राइन थे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के। नेक्स्ट इसमें देखो टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ये देखो सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू इनकेपेबल पर्सन। नेसेसरीज, नेसेसरीज क्या होती है? नेसेसरीज क्या होती है? बताएगा कोई? नेसेसरीज, नेसेसरीज की मीनिंग क्या होती है? मैम जरूरतें, जरूरतें। सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू इनकेपेबल पर्सन। इफ अ पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एनीवन हुम ही इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विद नेसेसरीज सुइटेड टू हिज कंडीशंस इज लाइफ। The person who has furnished such supplies is entitled to reimburse from the property of such incapable person. Suppose हम किसी एक ऐसे person को, अगर कोई person है वो incapable है contract में आने के लिए, ठीक है,
क्या उसकी लाइफ कंडीशंस अच्छी नहीं है, और सपोज सपोज हर्ष है, हर्ष एग्जांपल्स नहीं बताता ना, इस चीज का नाम लूंगी मैं, ये डिपेंड है रवि के ऊपर। अब रवि इसको नेसेसरी सप्लाई कर रहा है, खाने पीने की चीजें, इसकी मेडिकल वगैरह जो भी, तो अब रवि क्या करेगा, हर्ष की प्रॉपर्टी अब इसकी हो जाएगी, किसकी, रवि की। इसका मतलब ये देखो, द पर्सन जो उसको ये सब सप्लाई फर्निश करवा रहा है, प्रोवाइड, इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। तो अब इसको पूरी इसकी प्रॉपर्टी मिलेगी हर्ष की, ऑफ सच इनकैपेबल पर्सन। आ रहा है समझ में, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू इनकैपेबल पर्सन। कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। आया समझ में? नो मैम। नेक्स्ट देखो, इसमें एग्जांपल क्या लिखा है, देखो, ए सप्लाइज बी, ए वो सप्लाई कर रहा है बी को, वो एक लुनैटिक है। लुनैटिक मींस व्हाट, बताओ। लुनैटिक मैंने बताया ना आप लोगों को क्लास में, मैम जो अनसाउंडेड माइंड है, अनसाउंड माइंड, ठीक। नेक्स्ट देखो, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, सेकेंड टाइप। द पेमेंट शुड बी मेड जेन्युइनली, इसके लिए एक वर्ड लिख रही हूं मैं, लिखो आप लोग साथ में। द पेमेंट शुड बी मेड जेन्युइनली, the payment should be made genuinely for the protection of one's own interest. A person who is interested in payment of money which another is bound by law to pay and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other. Iska matlab samajh mein aaya? बताओ, एग्जाम्पल से समझो तो इसका मतलब। मैं बता रही हूं पर आप लोग एक बार उसको रीड करो बस एग्जाम्पल को, ठीक है? अब आपके ऊपर है कि आप एग्जाम में इसको कैसे लेते हैं, ये वाले पॉइंट को, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। तो इसका एक एग्जाम्पल आप ये वाला भी नोट कर सकते हैं। सपोज ए, उसने अपनी कार को बी के घर पे छोड़ दिया। ए लेफ्ट हिज कार इन बी हाउस, ठीक है? तो जो बी है वो एक लैंडलॉर्ड है ए का, बी क्या है, लैंडलॉर्ड है। तो बी ने क्या कर दिया, उसकी कार को ना सीज कर दिया फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। तो जो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स होती है ना पुलिस की और ये सब जो भी है, तो ए ने क्या किया, अपना रेंट पे किया और कार को क्या करवा दिया, रिलीज करवा दिया। अब यहां पे ए ने तो रेंट पे कर दिया, कार रिलीज किया, लेकिन जो अब ये जो कार उसकी सीज कर दी थी बी, जो लैंडलॉर्ड था, अब इसकी ड्यूटी है कि अब वो ए को पे करेगा उसकी कार के पैसे और जो दुनिया भर के उसके अरेंजमेंट्स के खर्चे आते, क्योंकि बी ने इलीगल तरीके से ही उसकी कार सीज की। ऐसा कोई रूल तो है नहीं ना कि आप किसी की प्रॉपर्टी सीज कर लेंगे अगर आपने उसको, आपको अगर उसने रेंट नहीं दिया है तो ऐसी चीजों पे केस हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, अपन इंडियंस में ये हैबिट होती है कि अगर कोई अपना रेंट वगैरह नहीं दे रहा है तो हम उसके सामान को रख लेते हैं। बट ऐसी सिचुएशन पे जब एक एग्रीमेंट बनता है, रेंट एग्रीमेंट, और सामने वाला जब आपको रेंट नहीं पे कर पा रहा है, तो आपको कोर्ट में मैटर डिसाइड करना है, ना कि आप भी उसके जैसा ही काम करें और उसकी कार को आप अपने पास रख लें। तो ये एक एग्जाम्पल था इसका। कोई डाउट है इसमें? पेमेंट फॉर नॉन ग्रेशियस एक्ट, इसका मतलब सुन समझो पहले तो। ये वर्ड सुने, ग्रेशियस वर्ड सुना है कभी?
बताओ ग्रेशियस वर्ड सुना है? नो मैम। नहीं मैम। देखो एक किसकी मीनिंग बताती हूँ मैं। तो नॉन ग्रेशियस मीन्स जिसमें कुछ अमाउंट इन्वॉल्व हो, वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन, कोई पर्सन है वो किसी के लिए कुछ कर रहा है, और डिलीवर एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेशियसली, उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो उसको ग्रेशियसली मतलब फ्री में दे, नॉट इन फ्री है ना, नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेशियसली, तो ग्रेशियसली में कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं रहता तो उसका कोई इंटेंशन नहीं है, और ऐसा पर्सन उस बेनिफिट को इंजॉय कर रहा है तो बाद में द लेटर इज बाउंड टू मेक कंपनसेशन टू द फॉर्मर इन रिस्पेक्ट ऑफ और टू रिस्टोर द थिंग सो डन और सो डिलीवर्ड, या तो फिर वो उसको वापस करे या फिर वो उसके बदले में उसको क्या करे, कॉम्पनसेट करे। तो देखो व्हेन अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर एनदर पर्सन नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेशियसली, हम दूसरे के लिए कुछ काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारा इंटेंशन नहीं है टू डू सो ग्रेशियसली, मतलब फ्री में करने का कोई इरादा नहीं है। सपोज ए ट्रेड्समैन लीव इज गुड एट बी हाउस बाय मिस्टेक, एग्जाम्पल मैंने दिया था अभी, तो बी ट्रीट्स द गुड एज हिज ओन, बी उसको अपना समझ के यूज कर रहा है, नाउ बी इज बाउंड टू पे फॉर द गुड्स टू ए। तो ग्रेशियसली और नॉन ग्रेशियसली की मीनिंग समझ में आई? यस मैम। नेक्स्ट देखो, डाउट है तो पूछ लो पहले, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इन सबका। नेक्स्ट देखो, लाइबिलिटी ऑफ फाउंडर ऑफ गुड्स, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा एक मिनट सुनो, तो अगर इसके बाद आप लोगों की क्लास है कोई, अगर किसी का गुड्स लॉस्ट होता है तो कोई गुड्स फाइंड किया है तो लाइबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अ पर्सन हु फाइंड्स द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी अ सब्जेक्ट टू सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बेली, he must take reasonable care of the goods and keep them in sound condition and try to find out its true owner। ये तो वही है ना, रास्ते में जो पर्स वगैरह मिल जाता है या किसी की मार्कशीट वगैरह मिल गई है तो जो फाइंडर ऑफ गुड्स होता है, बेली समझते हैं क्या होता है? बेली का मतलब होता है दो पर्सन होते हैं, एक बेलर और एक बेली। तो ना जैसे सपोज अगर आपको अपना कोई सूट कोट सिलवाना है लड़कों को तो वो टेलर के पास जाएंगे, तो जिसको सूट कोट सिलवाना है वो बेलर और जो टेलर वो सिल के देगा बेली। तो यहाँ पे ना उस टेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि इसके सूट कोट को संभाल के रखे, अच्छे से सिले ताकि वो बेलर आके उस